घोष गार्डन में आप लोगों का दोबारा से स्वागत है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं और जिनको रिजल्ट भी मिल रहा है, सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत है। हालांकि आज मैं फिर से रोज़ अपडेट देने आया हूँ। इससे पहले जो मैंने अपडेट दिया था उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने मिट्टी को निकाल के क्या क्या खाद दिया और किस चीज़ के लिए मैंने क्यों दिया है, कितना दिया है। आप लोग मेरे यूट्यूब या फिर फेसबुक या फिर आप इंस्टाग्राम में भी जाके देख सकते हैं, सारा डिटेल में मैंने बताया है। एक ही रील में, बस सिर्फ एक मिनट में आप इजीली सीख सकते हैं। एक मिनट अगर नहीं है आपके पास तो आप फुल वीडियो भी देख सकते हैं। धीरे धीरे करके आप अपना जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स। तो मैंने जो यूज़ किया है वो सब आप देख के अप्लाई कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो नवंबर भी टाइम है आपके पास, आप इजीली कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर एंड से लेकर नवंबर तक आप कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ अपडेट के बाद। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि प्लांट मर जाएगा, आप डाइबैक हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है, सब मैंने लिमिटेड क्वांटिटी में दिया है। और काफ़ी लोगों ने कहा कि सिंडर में इन पौधों को लगाने के लिए, देखिए सिंडर में लगाने के लिए लगा सकते हैं, सिंडर भी मिल जाएगा मुझे इजीली। बट प्रॉब्लम ये है कि सिंडर में तीन टाइम कौन पानी देगा गर्मियों में, आप खुद ही सोचिए। 45 डिग्री 50 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर है अपने इंडिया में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। दिल्ली तो आप लोगों को पता ही है दिल्ली में कितना प्रॉब्लम होता है। तो इवन महाराष्ट्र साइड भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी बढ़ जाता है, तो उसके कारण ना हम पानी तो नहीं देख सकते। तीन टाइम तो पानी देने के लिए टाइम किसी के पास भी नहीं है, ये इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अगर पानी देने का टाइम नहीं है तो सिंडर क्यों यूज़ करना है कि नहीं, मिट्टी ही यूज़ करो। अब प्रॉब्लम ये है लोगों का, जो प्रॉब्लम आ रहा है डाईबैक का। अब देखिए मैंने इस ऊपर वाले साइड में मैंने फंगीसाइड यूज़ किया था, कौन सा वाला, एमिस्टर टॉप। आप चाहे तो साफ फंगीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ जैसे ही आप ये चीज़ यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे अगर ध्यान से मैं दिखाऊं तो आप अगर देखेंगे तो नीचे से ग्रोथ आना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ से डाईबैक नहीं हुआ, थोड़ा भी काला नहीं हुआ। और इसका रीज़न ही है फंगीसाइड, वो ऊपर से फंगस लगता है तो ही प्रॉब्लम आता है। और मैंने एक और चीज़, एक स्टिक छोड़ा था मैंने आप लोग, हाँ ये वाला, ये देखिए ये पतला वाला मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि अगर पतला वाला प्रून करेंगे तो वो ख़राब, डाईबैक होने के चांसेस है। और ये देखिए डाईबैक हो रहा है, चाहे अब इसमें फंगीसाइड भी क्यों ना लगा ले, है कि नहीं। बट मोटे वाले में एक भी डाईबैक नहीं हुआ है, ग्रोथ आ रहा है ना। तो पतले वाले भी काटने बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा अगर मैं और इसके बारे में बताऊं तो सारे में ग्रोथ है, कोई भी डाईबैक नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, देखिए इसमें भी ग्रोथ है, इसमें भी ग्रोथ है, इसमें भी ग्रोथ है, इस वाले में भी ग्रोथ है और इसमें भी ग्रोथ है। तो इस सब में ग्रोथ है। और 5 दिन का ग्रोथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर है, ये देखिए इस वाले गुलाब में कितना अच्छा ग्रोथ है, यहाँ पे भी देखिए पूरा फुल ग्रोथ में है। तो एक भी पौधा मेरा मरा नहीं है। आप लोग ज़रूर से टिप्स फॉलो कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा, टाइम बीत जाएगा, जब तक आप ये अप्लाई करेंगे तब तक सब लोगों के फ्लावर्स आ रहे होंगे। और जो जो मैंने फर्टिलाइजर्स दिया है उसमें ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, फ्लावर्स अच्छे आएंगे और आप लोगों को रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। आगे का जो अपडेट है, आगे जो आप देखना चाहते हैं कि गुलाब में जो शक्कर है वो कैसे आइडेंटिफाई करें या फिर शक्कर को कैसे हटाएं, इसके बाद क्या फर्टिलाइज़र देना है, कीड़ों को मारने के लिए क्या देना है, इसका मैं नेक्स्ट अपडेट फिर से लेके आऊँगा। आप लोग फॉलो करते रहिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँ टाइम टू टाइम और आप लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिले, जो कि मिल रहा है काफ़ी लोगों को। लास्ट ईयर जिन्होंने फॉलो किया था उनको तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इंस्पायर हो पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँ और आप लोगों को अपडेट दे पाऊँ। तो और हाँ, एक और चीज़, मैंने केमिकल के अगर मैं केमिकल बोलूँ ना, सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ किया है, वो है फंगीसाइड। क्योंकि अगर हल्दी वगैरह हम यूज़ करते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, सच बोलूँ तो फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, उससे पौधा का इम्यूनिटी तो ख़राब नहीं होता है। इम्यूनिटी ख़राब होता है केमिकल वाले फर्टिलाइज़र से, है ना। तो वो यूज़ मत कीजिए, केमिकल वाला जो नमक सॉल्ट बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है, NPK 19 19 19 20 20 20, वो मत कीजिए यूज़। मेरा अगर आपको पौधा सालों भर रखना है या 2 साल 3 साल रखना है तो प्लीज़ वो यूज़ मत कीजिए, नहीं तो पौधा डाईबैक बहुत जल्दी हो जाएगा और ब्रांचेस भी अच्छे नहीं आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें और फॉलो करते रहिए। जिन्होंने अभी तक लास्ट तक देखा है उनको तो पता ही है कि रिजल्ट मिल ही रहा होगा, और जिन्होंने आधे में छोड़ दिया है तो उनको लॉस होगा ही होगा। स्किप करने से आप लोगों को रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला।